एक बहन ने फरमाया कि क्या प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम जायज है। देखें, ये एक मुख्तलफी मसला है। बाज़ उलमा इसको सूद से ताबीर करते हैं, जुआ भी कहते हैं, और बाज इसको बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे नज़दीक, हमारे दलाइल के मुताबिक जो हमने कुरान और हदीस से अखज़ किए हैं, उसके मुताबिक इनामी रकम बिल्कुल जायज़ है। प्राइस बॉन्ड में ना सूद का माना मुतहक्कक होता है, ना इसमें जुए का माना है। तो लिहाजा आप जिन भी उलमा को फॉलो करते हैं उनके मुताबिक आप अमल कर सकते हैं। हम बहरहाल इसके जवाज का हुक्म देते हैं कि प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त भी जायज़ है। जब बॉन्ड निकलने वाला होता है तो प्राइस बढ़ा के इनको सेल आउट किया जाता है, तब भी शरण जायज़ है। इसी तरीके से इस पर जो इनामी रकम है वो भी हमारे नज़दीक जायज़ है, और उसमें सूद या जुए का माना मुतहक्कक नहीं होता है। इसलिए आप अगर हमारे कॉल पे अमल करना चाहें तो ये है। बाकी अगर हम दूसरे की किसी की भी राय का भी एहतराम करते हैं, मैं ऐसा मेरा रवैया अख्तियार नहीं करता हूँ, और ना ये उलमा की शान है कि ऐसा रवैया अख्तियार करें कि फ़िक़ही इख्तिलाफ़ की वजह से किसी को बुरा भला कहना, फासिक करार देना, फाजिर करार देना, ये हमारे उलमा की शान नहीं है। पूरे पीछे से आप देख लें, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आज तक जितने अकाबिर उलमा गुजरे हैं, फ़िक़ही इख्तिलाफ सबका रहा है, लेकिन मजाल है जो किसी ने दूसरे के लिए ज़बान दराज की हो। आज ये दौर ऐसा चल रहा है कि मेरी बात मानो, मेरा फ़िक़ही मसला मान लो, नहीं मानोगे तो फिर ना मदर एक रहेगी, ना सिस्टर एक रहेगी, मदर सिस्टर सब बराबर हो जाएंगी। ये गलत रवैये हैं और इन रवैयों को हमें ख़त्म करना होगा। खुसूसन उलमा को इस पर नज़र सानी करनी चाहिए। बहन ने